चकुंडा के एसओटी एलबी नगर टीम और मीरपेट पुलिस ने एक फेक डॉक्टर का पर्दाफाश किया है। ये जो डॉक्टर है नकली डॉक्टर, इसका नाम कुडिलेती विजय कुमार है। ओरिजिनल इसने बीएससी डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी से 2014 में किए करके उसका दावा है। कोविड पीरियड में इसने उसके पहचान का एक सीटी स्कैन करने वाला अफरोज खान नामक शख्स के जरिए मोहम्मद महबूब अली जुनेद करके एक जो एक्सपर्ट है हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में, उस व्यक्ति को कांटेक्ट करके उसके पास से 4.5 लाख रुपए में रशिया के कजान यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस बोगस सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट उन्होंने हासिल किए। नकली स्टैम्प भी बनाया। शुरू में उप्पल में लाइफ केयर हॉस्पिटल में 6 महीना तक काम किया, उसके बाद मंदमल्लमा क्रॉस रोड मीरपेट पीएस लिमिट में आरके हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने से ड्यूटी ऑफिसर एमबीबीएस अपना डिग्री लगा के वहां पे काम कर रहा है। ये पूरे रैकेट में ये जो सर्टिफिकेट बनाने वाला महबूब अली जुनेद और जो सर्टिफिकेट बनाने में और ये कस्टमर महबूब अली जुनेद को कस्टमर देने में जो कामयाब रहा वो अफरोज खान, इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और उप्पल पुलिस ने मिलकर एक इंटर कंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बांग्लादेश से इंडिया को जिनको ट्रैफिकिंग किया, वैसे 2 विक्टिम को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें एक 15 साल की लड़की नाबालिग लड़की भी है और 6 ट्रैफिकर्स को हमने हिरासत में लिया है, उसमें एक बांग्लादेश की लेडी है। महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड ये स्टेट के रहने वाले बाकी ट्रैफिकर्स है। 11 तारीख को यहाँ पे उप्पल पुलिस स्टेशन में शाम को पेट्रोल मोबाइल को एक बांग्लादेशी लेडी अपने 6 महीने के बच्चे के साथ रोड पे रोते हुए मिली। उसको जब पुलिस स्टेशन लेके आए तो उससे पूरा इन्फॉर्मेशन मिला कि ये लेडी और उसके सिस्टर को यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में जॉब देंगे बोल के बांग्लादेश से कोलकाता लेके आए। कोलकाता में उनका बोगस आधार कार्ड बनाया गया, उसके बाद में महाराष्ट्र में मुंबई के पास में नाला सोपारा करके जगह है पालघर जिला में, वहां पे जो 2 ट्रैफिकर है सतीश रजाक और उसकी बांग्लादेशी बीवी बृष्टि खातून वहां पे अपार्टमेंट में रखा। ऑनलाइन इन लोगों का हैदराबाद में जो एक दीपक चंद करके ट्रैफिकर यहाँ रैकेट चलाता है जो राजस्थान का रहने वाला है, उसे कॉन्टेक्ट लोग यहाँ पे हैदराबाद आए। वो यहाँ पे 11 तारीख को ये जो लेडी हमें रोड पे मिली उसका इन ट्रैफिकर के साथ झगड़ा हुआ कि उसके छोटे सिस्टर को क्यों ये प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे करके, और ये झगड़े के कारण ये 3 लोग जो है जो सतीश रजाक, बृष्टि खातून और ये छोटी लड़की 15 साल की, ये इसको लेके ये लोग वापस महाराष्ट्र चले गए। और महाराष्ट्र जाने के बाद उन्होंने एक प्रियंका नामक वेस्ट बंगाल की लेडी है उसे 15 साल के लड़की को बेचा। वो प्रियंका जो है उसे महाराष्ट्र के सातारा जिला में कराड़ तालुका में मलकपुर गांव है वहां पे नवरंग नाम का लॉज है वहां पे ये लड़की को रख के उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाना इन्होंने शुरू किया था। उसी दरमियान हमारे टीम को जो खबर मिली 76 क्लॉज 2 ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्शन 370 क्लॉज A आईपीसी सेक्शन 366 A and B 467 468 471 109 114 उसके साथ में पॉक्सो के सेक्शन 5, 6 और 17 और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 3, 5, 6 के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर उप्पल इसके इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एक केस में जो ट्रैफिकर्स हमें मिले हैं उनके खिलाफ पक्का हम पीडी एक्ट बुक करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करते कन्विक्शन के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले एएसटीयू एसओटी टीम और उप्पल पुलिस मलकाजगिरी जोन के टीम को मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद।